तो गाइस देख सकते हो मेरा पीछे कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, क्या ही लग रहा है गाइस। चारों तरफ साइड में है नदी, ये साइड है टी गार्डन, ये साइड है छोटा सा ब्रिज, क्या ही लग रहा है। होंडा साइकिल, तो गाइस आज हम लोग होंडा साइकिल लेके जाने वाले हैं। मेरा जो पल्टन था, पल्टन को आज घर में छोड़ दिया। खाली है ये वाला प्लेस, पूरा ग्राउंड है, यहाँ पर कोई इंसान लोग नहीं आते हैं, यहाँ पर सिर्फ जानवर लोग रहते हैं, जो कि अभी तो ले गए हैं घर जानवर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी को और एक मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मथुरा टी गार्डन घूमने के लिए, तो वहीं पे जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं हम लोग का अविनाश भाई, जो कि आज बहुत हैंडसम लग रहा है। तो कुछ बोल दो भाई, हाई बोल दो। तो अभी हम लोग ये दोनों जाने वाले हैं और साथ में हम लोगों का ये होंडा साइकिल। तो गाइस आज हम लोग होंडा साइकिल लेके जाने वाले हैं। मेरा जो पल्टन था, पल्टन को आज घर में छोड़ दिया, क्योंकि ये मथुरा टी गार्डन मेरा घर से थोड़ा कुछ ही दूर में है ये मथुरा टी गार्डन, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, तो इसीलिए मेरा पल्टन को नहीं लाए हैं। और मैं हमेशा तो नहीं मतलब कभी कभार मैं शूट करता हूँ, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है वो यही वाला है, देख सकते हो। मैं यहाँ पर आके शूट करता हूँ, ये वाला प्राइवेट टी गार्डन है, यहाँ पर शूट करता हूँ मैं, मतलब कभी कभी आता हूँ यहाँ पे, बहुत सुकून रहता है, कोई एक भी बंदा नहीं रहता है यहाँ पे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और शूट करता हूँ। तो अभी चलो चलते हैं मथुरा टी गार्डन के लिए। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, देखो ये होंडा साइकिल का अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो चलो अभी जा रहे हैं। ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम गाइस मैं साइकिल में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब कैसा लग रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है साइकिल में ब्लॉगिंग करने के लिए। तो देखो जा रहे हैं अभी, इधर पे देखो पूरा ग्राउंड है, पूरा खाली है ये वाला प्लेस, पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे कोई इंसान लोग नहीं आते हैं, यहाँ पे सिर्फ जानवर लोग रहते हैं, जो कि अभी तो ले गए हैं घर जानवर, तो जो जानवर है वो है गाय है, तो वही सब को यहाँ पे घास खिलाने के लिए लेके आते हैं आदमी लोग। तो अभी तो शाम हो रहा है, तो इसीलिए आदमी लोग ले के जा रहे हैं, तो अभी हम लोग वहीं से जा रहे हैं, एकदम रास्ता भी एकदम खतरनाक वाला है, तो अभी हम लोग वहीं से जा रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे वो क्रॉस करा, एक ब्रिज है हम लोगों का पीछे, वो देखो दिख रहा है। और तो गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं, ये वाला है मथुरा टी गार्डन, दिख रहा है देखो ऐसे है मथुरा टी गार्डन, हम लोग पहुँच गए हैं मथुरा टी गार्डन में। बस हम लोग अगर घर से बस कुछ ही दूर पे है, तो इसीलिए हम लोग साइकिल लेके आए हैं, तो ये फाइनली पहुँच गए हैं। पीछे बैठा है हम लोग का अविनाश भाई। और जब हम लोग छोटा थे, मतलब छोटे छोटे थे, जब हम लोग में शायद 6th क्लास में था, तब हम लोग यहाँ का छोटा सा एक नदी टाइप का है, वहाँ पे हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, तो अभी हम लोग वहीं पे चलने वाले हैं। तो अभी जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग का ड्राइव कर रहे हैं अविनाश भाई। तो और पीछे जो दिख रहा है ये मैंगो पेड़ है, ये सब मैंगो पेड़ है, ये अभी यहाँ पर बहुत सारा मैंगो पेड़ है, ये रास्ता का साइड में पूरा मैंगो पेड़ है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जब छोटे थे, यहाँ पे आते खाना खाने के लिए आते थे, तो अभी तो नहीं आते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जब मतलब आम जब फलता है तब यहाँ पे ड्यूटी रहता है, तो आने नहीं देता है यहाँ के, जब फलता है तो यहाँ का साहब है ना, साहब बहुत एकदम अभी का वाला साहब बहुत ख़तरनाक है, तो इसीलिए आने नहीं देता है किसी को बाहर का, मतलब हम लोग तो बागान का नहीं है ना, टी गार्डन का, हम लोग मथुरा टी गार्डन का नहीं है, तो हम लोग आने नहीं देता है खाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग अभी नहीं आते हैं, पहले आते थे, बहुत मज़ा करते थे, बहुत सारा दोस्त मिल के आते थे यहाँ पे, और बहुत इन्जॉय भी होता था इसीलिए। और अभी तो देखो बहुत एकदम कितना ब्यूटीफुल लग रहा है पीछे, एकदम साइड में पूरा छोटा छोटा गाछ वगैरह लगा दिया है पूरा, और साइड में पूरा ये तार का वो लगा दिया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं मालूम, तो वही लगा दिया है, तो इसीलिए बहुत एकदम मस्त लगता है। रास्ता को भी अभी एकदम प्लेन कर दिया आगे, पहले तो बहुत टूटा फूटा सा था, उतना सामान कर दिया पूरा। और ये साइड में देखो पूरा एकदम चारों तरफ पूरा टी गार्डन है, चारों तरफ ये साइड में पूरा टी गार्डन है, ये साइड भी देखो पूरा टी गार्डन है, पूरा का पूरा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे हम लोग छोटे थे तब नहाते थे, हम लोगों का बोलना वो है, मान लो कि स्विमिंग पूल है हम लोगों का छोटा का, छोटा टाइम का, वहीं पर जा रहे हैं। और यहाँ पे मतलब रोड है ये वाला, सीधा मथुरा वो फैक्ट्री साइड चला जाता है ये वाला रोड, और इधर पे जो यही वाला ये साइड में अभी जहाँ जिस रोड पे अभी हम लोग जाने वाले हैं, देखो ये रोड, ये वाला भी फैक्ट्री के साइड जाएगा, लेकिन ये वाला घूम घूम के जाएगा। तो अभी हम लोग उधर ही है जो जहाँ नदी, छोटा सा नदी है, वहीं पर हम लोग जा रहे, वहीं पर नहाते थे, यही रोड से जाते थे अब हम लोग, यही रास्ता से, तो अभी वहीं पर जा रहे हैं हम लोग, दो ही लोग घूम रहे हैं टी गार्डन के बीच में, कोई इंसान नहीं, एक भी इंसान नहीं मिल रहा है,
जैसे कि हम लोग कहीं अमेजन फॉरेस्ट में आ गए जैसा, मतलब कोई एक भी इंसान नहीं है यहाँ पे। मतलब इस टाइम में ज़्यादातर आदमी लोग यहाँ का जो वर्कर्स लोग होते हैं वो लोग तो अभी घर चले गए हैं। वो लोग का टाइम छुट्टी टाइम होता है 3 बजे, तो अभी तो बज रहा है कितना, 5 बज रहा होगा, 5 बज रहा है। तो अभी 5 बजे हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए कोई भी इंसान नहीं है। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा आदमी लोग यहाँ पे काम करते हैं, बगान में पत्ते उत्ते तोड़ते हैं, तो अभी तो नहीं है फिलहाल, अभी तो सब लोग घर चले गए हैं। और ये साइड में भी पूरा हम लोग और पहुँचने वाले हैं, मतलब हम लोग का स्विमिंग पूल में। अरे भाई धीरे चला भाई, मैं बैठा हूँ कैसे डर, अरे यार गिर जाऊँगा भाई, किसे नहीं पकड़ा हूँ मैं, धीरे चला धीरे। ओ भाई अरे धीरे चला भाई, गिरेंगे, रुक यहीं पर रुक यहीं पर। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं, देखो हम लोग का यहाँ का स्विमिंग पूल अभी तो पूरा वो बना दिया है। अभी देखो कितना मतलब वो लगता है, मतलब पानी उतना भी नहीं है। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तब यहाँ पे बहुत पानी होता था, तो उधर से आता है वो वाला पानी, तो यहाँ पे पूरा पानी होता था। ये जो पुल है ना, ये पुल पूरा काट का था, टूटा फूटा सा काट का था, और अभी तो पूरा एकदम मस्त बना दिया है। अभी एकदम मस्त लग रहा है। अभी देखो इधर से पानी आ रहा है, ये साइड से आ रहा है, ये नदी है मतलब आप पहले ज़्यादा पानी आता था, तो अभी पता नहीं क्यों इतना कम पानी आता है, और पूरा भर गया है, अब पूरा भर जाता था। और यहाँ पे अभी तो आदमी लोग यहाँ पे मछली भी पकड़ता है, देखो मछली पकड़ने के लिए वैसा बनाया हुआ है, वहाँ पे घेरा करके बना दिया है मछली पकड़ने के लिए। यहाँ पे जैसा बनाया कि जैसे कि पैर घुस जाएगा, ऐसा लगता है कि पैर घुस जाएगा यहाँ पे, देखो घुस जाएगा तो नीचे सीधा पैर वो टूट जाएगा। इधर पे भी है, यहाँ से तो मैं सीधा नीचे भी कूद सकता हूँ, इतना छोटा पुल बना दिया है। और अभी मैं हम लोग जो होंडा साइकिल लाए हैं, तो इस साइकिल में मैं आज, मतलब पहले तो बाइक में किया था व्हीली, अभी आज मैं क्या बोलता है साइकिल से व्हीली मारने वाला, होंडा साइकिल से, देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। तो चलो व्हीली मारते हैं, कर पाता हूँ या नहीं। तो गाइस क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। गाइस देख सकते हो मेरा पीछे कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, क्या ही लग रहा है गाइस, चारों तरफ एकदम ग्रीन है, लग रहा है एकदम टी गार्डन। ओ क्या ही लग रहा है गाइस, देखो क्या ऑसम लग रहा है। साइड में है नदी, ये साइड है टी गार्डन, ये साइड है छोटा सा ब्रिज, क्या ही लग रहा है, एकदम ऑसम लग रहा है। ऑसम बोले तो ऑसम, यहाँ से मतलब जाने का मन नहीं करेगा, जब एक बार आओगे तब घूमने के लिए एकदम बहुत शांत जगह है, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं ऐसा टाइम में। मतलब अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है जैसा कोई इंसान लोग नहीं रहते यहाँ पे इसीलिए। और अभी क्या बोलता है, इस टाइम में ना ज़्यादा थोड़ा डर भी लगता है अकेला आने के लिए, मतलब कोई नहीं रहता है, तो इसीलिए कहाँ कौन आदमी लोग आ गए यहाँ पे लूटपाट करके ले जाएगा, ये डर लगता है। लेकिन हम लोग तो लोकल का है ना, तो इसीलिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो आदमी लोग अभी घूमने आएंगे तो उन लोग का भी थोड़ा रिस्क हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ आदमी लोग यहाँ पे आएंगे तो कोई कोई इतना मतलब ऐसा इंसान भी होते हैं ना, तो कभी कभी लूटपाट करके ले जाते हैं वैसा टाइप का, तो इसीलिए अकेला यहाँ पे मत आना। और ये है क्योंकि यहाँ पे जो गाइड रहता है, जो गार्ड करता है, मतलब ये मथुरा टी गार्डन को घुसने भी नहीं देगा परमिशन नहीं लेके, तो इसीलिए आना चाहते हो तो यहाँ पे परमिशन लेके आना, नहीं तो ऐसे मत आना, नहीं तो बहुत पीटोगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग लोकल का हैं तो इसीलिए हम लोग को तो कुछ नहीं बोलता है। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ का सिनेमैटिक शॉट में दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा कैसा अलग लगता है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे कहाँ चढ़ दिया, देखो गेट का ऊपर, ये गेट है मतलब मथुरा टी गार्डन का गेट है, तो अभी तो टूट फूट गया मतलब बहुत दिन हो गया, बहुत पुराना हो गया ना, इसीलिए तोड़ फोड़ के कोई ले गया होगा जो यहाँ का जो सामान वगैरह था, और हाफ सामान ले गया है, तो बस वो छोटा सा ही बचा है, यही मेन गेट है। यहाँ से ये पुल, ये जो ब्रिज छोटा सा पुल देख रहे हो, ये से उस पार जाओगे तो मतलब वो साइड है, मतलब वो मथुरा टी गार्डन है, और ये साइड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है, मतलब ये हम लोगों का साइड है, तो
यही था वो गेट। अबे उतर बे वहाँ से, क्या कर रहे तू, गिरेगा वहाँ से, मत कर मत कर। सो गाइस, आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब देखो बहुत शाम हो जा रहा है, पीछे पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो इसीलिए। और मथुरा टी गार्डन में बस ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं था, तो बस जितना कुछ था सब कुछ दिखा दिया हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो ही मैं और अच्छा से वीडियो ला पाऊँगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर देना। तो आज का वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।